रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अगले 3 माह के अंदर जारी की जाएगी। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने अभ्यर्थी को किया आगाह। उत्तराखंड में अपने 6 दिन के प्रवास के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बुधवार को स्वामी दयानंद आश्रम से विदा हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। आज गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। वहीं इस बार के बजट में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण हिमस्खलन हुआ। 2 की मौत, 19 विदेशियों को बचाया गया। अभी भी रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। फिल्म पठान भले आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वहां के लोगों ने इसे देखने का तरीका निकाल ही लिया। फिल्म को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दिखाने की तैयारियां शुरू की जा रही है। आज देहरादून के SSP दलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि थाना कोतवाली नगर व SOG की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी मार्कशीट दस्तावेज बनाकर कमाई करने वाली गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी।